दहीसरपुर के केतकीपाड़ा इलाके में चौहान समाज संघ की तरफ से इस वर्ष सार्वजनिक सरस्वती महापूजा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर क्षेत्र की कई नामचीन हस्तियों के अलावा स्थानीय विधायक प्रकाश सुर्वे और नगर सेवक बालकृष्ण बिंद भी पूजा में उपस्थित होकर माँ सरस्वती का आशीर्वाद लिए। ये तो 3 साल से हम लोग कर रहे हैं और इस बार हम लोग अपने चौहान समाज संघ के द्वारा सरस्वती पूजा का आयोजन किए गए हैं और हम चौहान समाज संघ के जितने भी बहुत सारे लोग हैं सबको एकत्रित करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये पूजा के माध्यम से हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे चौहान समाज संघ में सबसे पहले बात कि दहेज और बाल विवाह ये चीज़ को मुक्त करना है और युवा पीढ़ी को बेरोजगार है जो उनको रोजगार देने का उपलब्ध करवाना है और भी बहुत सारी जो भी समस्या हम लोग चौहान समाज संघ द्वारा चाहते हैं कि ये चीज़ से मुक्त करें। माँ सरस्वती की पूजा की गई है, यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है। सरस्वती ही एक ऐसी देवी है जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान सर्वथा मनुष्य के पास रहता है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे समाज को, जो बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, ऐसे में रोकने के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी सरस्वती माता जो बच्चे लोग को ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान पूरे परिवार में प्राप्त ये होना चाहिए कि हम लोग जो भ्रूण हत्या बेटी नहीं चाहिए जो कल और बेटी बचाओ देश बचाओ जो चलता है, तो हम लोग चाहते कि अगर देश में बेटी नहीं रहेगी तो फिर ये दुनिया पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और चाहते हैं कि हम लोग बेटी बचाओ करके यही सब मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। क्या नाम? समाज संघ का कोषाध्यक्ष हूँ और मैं चाहूँगा माँ सरस्वती पूजा का जो आज बड़ा चौहान समाज संघ द्वारा आयोजित महापूजा में मैं सभी भक्तों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और चाहूँगा कि भगवान सब बच्चे लोग को बहुत से अच्छी शिक्षा दें और हमारे भारत भर में उन्नति होवे। बच्चे को यही कहना चाहूँगा कि सरस्वती माँ बच्चे को विद्या देते हैं और उन्हीं को गुण से वो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो वो विद्या देते हैं उसी से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद। चौहान, मैं कहना चाहता हूँ ये कि सर ऐसा हर चीज़ छीन सकता है मगर हमारा समाज का जो विद्या है ये किसी से आप छीन नहीं सकते हो। ये सबसे बड़ा अच्छी चीज़ है। हमारा चाहता है कि बेटा हो या बेटी हो उसे अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, जीवन का सबसे मूल चीज़ यही है। नाम रामचंद्र प्रसाद है। भगवान सरस्वती माता ऐसे विद्या दे कि सबको साथ सबका विकास होना चाहिए, सबका विकास हो और सही रास्ते पर सब चले। क्या नाम है आपका? राजेश चौहान। राजेश जी, आज सरस्वती पूजा है, क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे बच्चों को? मैं सब बच्चे लोग को ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि विद्या माँ को हमेशा पूजा करना चाहिए क्योंकि वही ज्ञान देने वाली माँ है और देश बचाओ बेटी बचाओ। राजेश चौहान नाम है। क्या कहना है चौहान जी, आज सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया आपकी संस्था की तरफ से? बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसे ही समाज चले और आगे बढ़े। धन्यवाद। हम लोग वो संस्था आपकी किस तरह से ये आयोजन करती रहती है? भंडारे में काफी खर्च वगैरह भी होते हैं तो जो फंडिंग है आर्थिक व्यवस्था वो संस्था कैसे उपलब्ध कराती है? हम लोग जैसे कि जो दुकान वगैरह है और भाई बंधु लोग से सहयोग के द्वारा हम लोग इस चीज को भंडारा का आयोजन करते हैं। जी धन्यवाद।